फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनका अलग वीडियो बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या नॉन यूजीसी नेट इनका क्लियर नहीं है, क्या वो लोग वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए? तो उनका सीधा आंसर है येस, विदाउट नेट कुछ कैटेगरीज अप्लाई कर सकती हैं। पिछले मेरे ख्याल 6-7 वीडियो में मैं ये बात रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन कोई शायद वो वीडियो नहीं मिलता, इसलिए अलग से ये वीडियो निकाल रहा हूँ कि कुछ तीन कैटेगरी हैं जिनका नेट क्लियर नहीं है, वो किसी और ढंग से एलिजिबल हैं अगर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कैटेगरी, ये लिखा है, एक मिनट, हाँ, ये पहले है कि जिनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर नेट सेलेक्ट सेट ये शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम, एमएससी या एमए या किसी विषय में मास्टर प्रोग्राम जो आपने किस विषय में, डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेलेक्ट सेट इज नॉट कंडक्टेड। ठीक, आपने ये देखना है कि यूजीसी ने टोटल एक लिस्ट दी हुई है जिसमें टोटल डिसिप्लिन्स 81 के करीब हैं जिनका नेट सेलेक्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपका मतलब आपका वो सब्जेक्ट है जो इन 81 में नहीं आता, ठीक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये है कंडीशन नंबर वन। दूसरा, एमफिल वाले और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सी एमफिल और कैसी पीएचडी हुई होनी चाहिए उसकी कंडीशंस हैं, ये रिपीट हो चुकी हैं, ये साफ लिखा है यहां पर जी, पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई हो, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन्स मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009। नंबर एक, कौन सी पीएचडी जो इस रेगुलेशन के अनुसार है, उस रेगुलेशन में पहला पॉइंट क्या है कि जिनकी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन जुलाई 11/2009 से, ये डेट याद रखनी है, इससे पहले क्या रजिस्ट्रेशन हुई है, ये रहा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एनरोलमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तब होती है पीएचडी की जब आपका एनरोलमेंट होने के बाद आप प्री पीएचडी कोर्स भी लगा लेते हो और उसके बाद आप सिनॉप्सिस सबमिट करवाते हो, सिनॉप्सिस रिवाइज होता है, पैनल उसको इवेलुएट करता है, इवेलुएट करने के बाद जब सिनॉप्सिस को पास कर दिया जाता है, सिनॉप्सिस को पास कर दिया जाता है पैनल में, वो डेट पड़ जाती है, वो डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट होती है। हालांकि पैनल के सिग्नेचर होने के बाद वाइस चांसलर या रिसर्च सेल के मेम्बर्स की भी इवेल्युएशन होती है, वो भी सिग्नेचर करते हैं, तो वो जो डेट है वो आपको लेटर पर मिली होती है, उसे रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड लेटर कहते हैं। ठीक, तो आपकी एनरोलमेंट नहीं, वो रजिस्ट्रेशन जुलाई 11/2009 से बेशक एक दिन पहले हुई हो, पीएचडी कंप्लीट बेशक 10 साल में हुई हो, कल हुई हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। ठीक, इसके अलावा तीसरी कंडीशन पीएचडी वालों के लिए ही, ये पहले भी बात हो चुकी है कि उनकी पीएचडी में ये फीचर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं देता होगा, कंडीशन दिखनी चाहिए, ये पीएचडी करने वालों को भी पता होना चाहिए, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात करूंगा, पहले मैंने ये बात की हुई है कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट एक होना चाहिए, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपने उस यूनिवर्सिटी से लेना है जिस यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी की है, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है, अगर आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल रहा है ना यूनिवर्सिटी से, तो इसका मतलब है आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है।
क्या कि वो पीएचडी आपकी कैसे हुई होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड से हुई होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड वाली नहीं चलेगी जैसे इग्नो की रद्द कर दी गई थी। दूसरा, इवेल्युएशन ऑफ द थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर ने किया हो आपकी पीएचडी को इवेल्युएट, वाइवा आपका ओपन हुआ हो, पब्लिक वाइवा, कोई भी उस वाइवे में आता हो, कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड टू रिसर्च पेपर्स जिसमें से एक रेफरीड जर्नल जिसे पीयर रिव्यूड जर्नल भी कहते हैं, ठीक, ये वो क्या होते हैं वो एक्स्ट्रा वीडियो निकाल दूंगा, आपके पेपर में भी आ सकता है रेफरीड जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर, ओके। तो ये दो पेपर पब्लिश हुए आने चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन है कि मिनिमम टू प्रेजेंटेशंस, किसमें, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, वो सेमिनार, अच्छा वो पेपर जो है आपने पढ़े हुए होने चाहिए, वो आपके पीएचडी के काम में से ही होने चाहिए, ठीक। और वो जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस होंगे, जो नेशनल एजुकेशनल बॉडीज हैं, यूजीसी है, आईसीएसएसआर है, ऐसी बॉडीज हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड चाहिए। तो ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट में मिनिमम ये फाइव कंडीशंस लिखी होंगी, तो आप यूजीसी नेट के बिना इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, जो यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने फाइट करना है फाइट कीजिए, आपने जैसे तीन रिट्स कहते कैसे कैसे वो भी चुकी हैं, उसके बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन वो रिट ऐसे हुई है, एकदम स्टे नहीं मिल सकता उसमें, स्टे तब मिलेगा जब कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को, जैसे गवर्नमेंट को, डीपीआई कॉलेजेस को लिसन करेगी, उसके बाद सुनवाई होगी, अगर उनके दुविधा लगेगी तब वो स्टे मिलेगा, ठीक, जो प्रोसेस चल रहा है। ये स्टे का सुन के आप अपनी प्रेपरेशन मत रोकिए, प्लीज़ आप लगे रहो मुन्ना भाई, चलते रहो। अच्छा, तीसरा कैटेगरी यूजीसी नेट के बिना कौन अप्लाई कर सकता है, वो है एमफिल पढ़ेंगे, सिर्फ ये बताऊंगा कि एमफिल वाले भी एलिजिबल हैं, अगर कोई एमफिल का ऐसा कैंडिडेट है तो उसे जागो मोहन प्यारे जागो। ये रहा यूजीसी रेगुलेशन 2018, मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, डिसीजन आपने खुद लेना है, चैलेंज किसी को करना है आपने खुद करना है। ये रहा एमफिल, ऑब्लिक पीएचडी है, बाकी सभी कंडीशन वही है। ये रही, इसको इसको थोड़ा इधर करेंगे, हिलेगा नहीं, नहीं हिलेगा, जुलाई 2009 से पहले क्या हुआ होना चाहिए, वैसे ही एमफिल की भी रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा रजिस्टर्ड, तीन बातें हैं, ठीक। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, कैटेगरी का मतलब रिजर्व कैटेगरी नहीं है, आपके क्वालिफिकेशन की कैटेगरी है, तो आप नंबर एक, आपका यूजीसी नेट का सब्जेक्ट वो नहीं है जो यूजीसी नेट के जो लिस्ट है, यूजीसी नेट कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उसकी लिस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं आता। नंबर दो, कि आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड नहीं, रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसकी फाइव कंडीशंस हैं वो बताई हैं, वो फिलफिल करती हो, ठीक। तीसरा, एमफिल आपकी 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर्ड है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। खुद रिसर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसमें कुछ रिसर्च के रेफरेंसेस दे के आपको शॉर्टकट मेथड रैंडम गैसिंग की टेक्निक बताई जाती है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो वो बताई जा रही हैं और जो रिसर्च है और जो मेरी रिसर्च है उसके बेस पर आपको बताऊँगा कि कई लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सिलेक्शन टेस्ट है, बेशक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बेशक एंट्रेंस टेस्ट है, कॉम्पिटिशन वाला है जो, वो क्यों क्लियर नहीं होता अगर वो वाले रूल्स को अप्लाई कर देते हैं। तो आप इस वीडियो नेक्स्ट को एक बार देख लीजिए, एनालाइज खुद कीजिए, खुद डिसीजन लीजिए, मेरा डिसीजन भी नहीं मानना, अपने दिमाग की, अपने दिमाग की,
इस पर विश्वास करना है। उस पर विश्वास कैसे करोगे? अगर आप साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली, सिस्टेमेटिकली डाटा को एनालाइज करोगे, वो मैंने कुछ डाटा एनालाइज किया है और ऐसी वीडियो के कुछ कंपैरिजन करूंगा जो ये कहते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, गैस वैक कैसे करें। मैं कह रहा हूं लगाना चाहिए, पर साइंटिफिकली लगाना चाहिए। साइंटिफिक वर्ड यूज करने से साइंटिफिक नहीं हो जाता। आपको आपका वो काफ़ी मेहनत करके मैंने डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया है। वो काइंडली पेपर देने से पहले, कोई भी पेपर आप देने से पहले ज़रूर एक बार देख लेना। आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूअर बढ़ जाएं या सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएं। मैं ऐसे ऐसे मेरी कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है, ना ही मैं ऐसा कभी कहता हूँ, ना ही। थैंक यू।